नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। तेजस्वी यादव लगातार सरकार को, केंद्र सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो, उनको घेरते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने बैक टू बैक 3 ट्वीट किए हैं और उन्होंने आरक्षण को लेकर इस बार केंद्र सरकार को घेरा है। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार, रामविलास पासवान से भी कई सवाल पूछे हैं। चलिए आपको सीधे हम ट्वीट की ओर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से ट्वीट करके तमाम चीजें जो हैं वो केंद्र सरकार से पूछी है। पहला जो ट्वीट उन्होंने किया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी और एनडीए सरकार को आरक्षण खत्म करने पर क्यों तिली है, इस तरीके का सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने आरक्षण खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। आरक्षण प्राप्त करने वाले दलित, पिछड़े और आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? बीजेपी इन वंचित हिंदुओं का आरक्षण क्यों छीनना चाहती है? इस ट्वीट के जरिए उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाने की कोशिश की है कि क्या जो दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं वो हिंदू नहीं है क्या? क्यों जो सरकार है वो उनसे आरक्षण खत्म करना चाहती है? आरक्षण का मुद्दा लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी उठता रहा है। उसके बाद फिर से तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हम केंद्र की एनडीए सरकार को चुनौती देते हैं, तुरंत सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करें या फिर आरक्षण को मूल अधिकार बनाने के लिए मौजूदा संसद सत्र में संविधान में संशोधन करें। अगर ऐसा नहीं हो तो सड़क से लेकर संसद तक संग्राम होगा। साफ तौर पर उन्होंने खुली चुनौती दी है कि अगर इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर अगर संसद में अगर चर्चा नहीं होती है और इसको लेकर जिस तरीके से आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है, अगर खत्म की जाती है तो सड़क से लेकर संसद तक वो संग्राम करेंगे, इसको लेकर सरकार के खिलाफ जाएंगे। आपको बताया कि उसके बाद फिर से तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने लिखा कि आरक्षण संवैधानिक प्रावधान है, अगर संविधान के प्रावधानों को लागू करने में ही किंतु परंतु होगा तो यह देश कैसे चलेगा। साथ ही आरक्षण समाप्त करने में भाजपा का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी को यहाँ पर टैग किया गया है। साथ ही नीतीश कुमार को भी टैग किया गया है, अठावले और अनुप्रिया पटेल से इस चीज को लेकर के स्पष्टीकरण मांगी गई है। तो देखा आपने कि कैसे तेजस्वी यादव ने बैक टू बैक 3 ट्वीट किए हैं, साथ ही साथ बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है, आरक्षण के मुद्दे को लेकर सवाल उठाने की बात कही है। लगातार जो आरक्षण का मुद्दा है वो संसद में चलता आ रहा है और कई लोग हैं और कई पार्टी के नेता हैं इसको खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो आरक्षण को लेकर हमेशा ही सामने आते हैं और इसको उनका साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। और अब जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके साफ तौर पर कहा है कि अगर आरक्षण को खत्म किया जाता है तो सड़क से लेकर संसद तक वो जो है एक मोर्चा निकालेंगे और इसके खिलाफ अपना आवाज उठाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार, रामविलास पासवान से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि संविधान में ही जो ये आरक्षण का मुद्दा है वो उठाया गया था और उस वक्त जब ये संविधान में है तो फिर इसको हटाने की बात कहां से आती है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार, बीजेपी, साथ ही साथ नीतीश कुमार पर निशाना साधने की कोशिश की, एक सवाल खड़ा किया है। और जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा देश में भी लगातार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ रहता है, लगातार कई पार्टियां इसके समर्थन में होती हैं तो कई पार्टियां इसके विरोध में भी होती है। संसद में भी कई बार आरक्षण को लेकर चर्चाएं हो रही थी और लगातार जिस तरीके से इसको खत्म करने की भी बात हो रही, उत्तराखंड में भी जो है आरक्षण खत्म करने की बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाया गया था। उसके बाद से लगातार जो है आरक्षण का मुद्दा जो तमाम पार्टी हैं वो उठाते रहती हैं और इस बार तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लगातार बैक टू बैक 3 ट्वीट किए हैं तेजस्वी यादव ने और सवाल उठाया है केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर, आरक्षण को लेकर के। साथ ही साथ रामविलास पासवान, नीतीश कुमार से उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण भी मांगी है, उनकी अपनी जो राय है वो भी मांगी है, स्पष्ट करने की साफ तौर पर उन्होंने बात कही है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया है इसके बाद आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सरगर्मियां कितनी बढ़ती हैं और लगातार जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह साफ किया है कि संसद में भी इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए, तो इस पर जो केंद्र की सरकार है वो क्या कुछ सोचती है और सचमुच संसद में इसको लेकर के चर्चाएं होती हैं ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज 111। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।